हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में भी ये आपके सवाल होंगे और ये बिल्कुल अभी जो है 2020 तक का अपडेटेड ये सारा जो है ब्रांड एम्बेसडर होगा, और ये जैसा कि हमने बोला एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है तो, बिकॉज लास्ट में जो है यहाँ पे आपको याद कराने की पूरी गारंटी दी जाएगी। लास्ट में इनका आपको रिवीजन भी कराया जाएगा, उसके बाद आपका लिया जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, जिसके जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। और ये तीन जो आपके स्टेजेस होंगे उससे गुजरने के बाद आपको एक भी सवाल ब्रांड एम्बेसडर से बचेंगे नहीं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल है यहाँ पे, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर के, तो वो हैं सलमान खान, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें पेप्सिको स्पोर्ट्स ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, आपको इन दोनों के बीच में अंतर समझना होगा। हमने जैसा कि बोला कि पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान, जबकि पेप्सिको के जो स्पोर्ट्स ड्रिंक है उसके ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, और उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली, और आपको पता होना चाहिए ये जो है उबर इंडिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके बाद है गल्फ आयल के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में कि गल्फ आयल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है। इन चारों ऑप्शंस में से चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं यहाँ पे, हार्दिक पांड्या, अक्षय कुमार, विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है हार्दिक पांड्या, ये है गल्फ आयल के यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ पे आपका किसके साथ चला गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, हार्दिक पांड्या। अगला है यहाँ पे कि T20 मुंबई लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो T20 मुंबई लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है यहाँ पे कि यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आपके चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे किसके बारे में, तो यूनिसेफ के बारे में कि यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर्स कौन हैं यहाँ पे। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ पे, तो योर करेक्ट आंसर इज प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पे स्किल इंडिया के बारे में, तो यूनिसेफ और स्किल इंडिया दोनों के ब्रांड एम्बेसडर जो है सेम है, प्रियंका चोपड़ा ही यहाँ पे भी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल है यहाँ पे कि yatra.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इन चारों ऑप्शंस में से yatra.com के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आप पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी रणवीर सिंह जो है yatra.com के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला है यहाँ पे कि GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो GST के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर ए। हेपेटाइटिस बी के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है भी है अमिताभ बच्चन ही, ऑप्शन नंबर ए। वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की यहाँ पे बात की जा रही है, तो वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर या फिर आपके फ़ोन पे ये दोनों के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है आमिर खान, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है यहाँ पे कि स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, आपको ध्यान देना है दो चीज़ें हैं, एक तो स्वच्छ भारत अभियान और एक है यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन, और दोनों के जो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अलग अलग हैं। स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे सब उसके पहले हमने दिया है स्वच्छ आंध्र मिशन के बारे में कि स्वच्छ आंध्र मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इन चारों ऑप्शंस में से, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु। जबकि स्वच्छ भारत मिशन, हमने बोला स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अक्षय कुमार है सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं दो लोग, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों जो है यहाँ पे कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात की जाए कि अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये भी आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और उसके ब्रांड एम्बेसडर है नरेंद्र मोदी। दरवाज़ा बंद अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आपसे बात कर रहा है कि दरवाज़ा बंद जो अभियान है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है यहाँ पे, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी दो लोग हैं, अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा, ऑप्शन नंबर डी के हो गया। उसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। जबकि अगर आपको सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूछा जाए तब आप माधुरी दीक्षित लगाओगे, लेकिन जैसे ही आपसे पूछे यहाँ पे आपको एक राज्य का नाम दे दे कि हरियाणा सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हरियाणा के द्वारा है साक्षी मलिक। और यहाँ पे जो है तेलंगाना के द्वारा है कौन, तो रकुल प्रीत सिंह। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको एक और पहल है भारत की लक्ष्मी, ये आपको नई पहल है, और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगले के बारे में कि माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो है प्रिया यहाँ पे है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है यहाँ पे कि यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आपको ध्यान में रखना है दो चीज़ें होती हैं, एक तो यूनिसेफ जिसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया कि यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा, जबकि जैसे ही आपसे यहाँ पे पूछ ले यूनिसेफ इंडिया के बारे में तो आपको उसी टाइम यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर चेंज हो जाएगा। और यूनिसेफ इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं तो वो है हिमा दास, यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ऑप्शन नंबर डी। अगली यहाँ पे बात की जा रही है नेपाल टूरिज्म के बारे में कि नेपाल टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है जया प्रदा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे और भी चीज़ों की बात करते हैं जैसे कि डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में कि डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है आपके अंकित फाड़िया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें, एक तो डिजिटल इंडिया, एक मेक इन इंडिया और एक फिट इंडिया, तो डिजिटल इंडिया के हैं अंकित फाड़िया, जबकि अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो वो है पीरूस खांबता। और अगर हम बात करें फिट इंडिया के बारे में कि फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है सोनू सूद। आपको इन तीनों चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं करने हैं। अगर आपसे पूछे सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में तो सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं AR रहमान। और तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आपसे पूछा जाए तो तेलंगाना राज्य के दो ब्रांड एम्बेसडर हैं सानिया मिर्ज़ा और महेश बाबू, यानी A एवं B दोनों। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछे तो अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन अब्राहम। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि केनरा बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, लेकिन उसके पहले कुछ और राज्यों के बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे असम राज्य के पर्यटन विभाग के बारे में तो वो है प्रियंका चोपड़ा, और असम राज्य के खेल विभाग के हैं हिमा दास। उसी तरीके से यहाँ पे जो है आपको पूछ रहा है क्या कि केनरा बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो केनरा बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं शिखर धवन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। जबकि अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं एजुकेट गर्ल्स के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में तो वो हैं अमिताभ बच्चन। और रेनॉल्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में अगर आपसे पूछे कि रेनॉल्ट इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से, तो वो है रणवीर कपूर, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरीके से है यहाँ पे पल्स पोलियो के बारे में कि पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं यहाँ पे अमिताभ बच्चन, मुथूट ग्रुप, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन ही हैं। वर्लपूल के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वर्लपूल के ब्रांड एम्बेसडर हैं दो लोग, कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत, यानी A एवं B दोनों। अगर बात किया जाए कि PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली है। और हमने आपको बताया केनरा बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में कि वो है यहाँ पे शिखर धवन, और PNB के बारे में हमने आपको बताया कि विराट कोहली है वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर। उसी तरीके से अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में कि फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इन चारों ऑप्शंस में से, चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर और B एवं C दोनों, तो योर करेक्ट आंसर इज रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर दोनों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला सवाल है यहाँ पे कि मेक माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसके भी दो लोग हैं रणवीर सिंह और आलिया भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी।
BSNL के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो BSNL के भी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करें यहाँ पे कि नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यहाँ पे दो चीज़ थी आपकी, एक तो BSNL और एक यहाँ पे नोकिया। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे BSNL के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है मैरी कॉम। और इसके साथ साथ जो मैरी कॉम है यहाँ पे एक और चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, वो क्या है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की ब्रांड एम्बेसडर है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्राइब्स इंडिया की भी ब्रांड एम्बेसडर है मैरी कॉम ही, और नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। हुंडई मोटर इंडिया के बारे में पूछ रहा है कि हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस हैं, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार या शाहरुख खान। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। जबकि अगर हम बात करते हैं फ्रूट जूस एप्पी फिज के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, तो एप्पी फिज जो कि एक फ्रूट जूस है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको लिए गए हैं। अब इसके बाद जो हमारी बारी आती है कि हम देखें इसके रिविज़न को, रिविज़न में चलिए देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से यहाँ पे, ताकि एक बार और आपको ये सारे सवाल रिपीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो रिवीजन में आपका यहाँ पे पहला सवाल है, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जैसा कि हमने बताया कि पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर जो है सलमान खान है। पेप्सिको स्पोर्ट्स ड्रिंक की लेकिन जैसे ही बात आती है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु। उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली, और गल्फ आयल के ब्रांड एम्बेसडर हैं हार्दिक पंड्या। उसी तरीके से T20 मुंबई लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर, और यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा। जबकि मैंने बताया कि यूनिसेफ इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं हीमा दास। यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा के बारे में हमने आपको बताया यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर और भी चीज़ों की बात करते हैं जैसे कि yatra.com के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि प्रियंका चोपड़ा जो है यहाँ पे असम राज्य पर्यटन की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगले सवाल की यहाँ पे हम बात करते हैं कि yatra.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है रणवीर सिंह। उसी तरीके से है यहाँ पे GST के बारे में कि GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। हेपेटाइटिस बी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन ही। वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। स्वच्छ आंध्र मिशन की अगर बात की जाती है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। उसी तरीके से यहाँ पे जो और भी सवाल आपके बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं कि सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अक्षय कुमार हैं। कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं दो लोग, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र मोदी। दरवाज़ा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं दो लोग, अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं माधुरी दीक्षित। माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं माधुरी दीक्षित ही। उसी तरीके से यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं हीमा दास। नेपाल टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं जया प्रदा। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और फिट इंडिया, तो डिजिटल इंडिया के अंकित फाड़िया, मेक इन इंडिया के पीरूस खम्बाता, और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर हैं AR रहमान। तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर हैं सानिया मिर्जा और महेश बाबू। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन अब्राहम। केनरा बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं शिखर धवन। एडुकेट गर्ल्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। रेनॉल्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणबीर कपूर। पल्स पोलियो के अमिताभ बच्चन। वर्लपूल के ब्रांड एम्बेसडर हैं दो लोग, कृति सेनन, सुशांत सिंह राजपूत। PNB के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। फ्लिपकार्ट के रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर। मेक माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। BSNL की बात की जाती है तो BSNL के ब्रांड एम्बेसडर हैं मैरी कॉम। नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। फ्रूट जूस एप्पी फिज के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। तो ये थी आपकी इन सारे सवालों की रिवीजन। अब बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन टेस्ट की, जिसके जवाब आपको हमें देने होंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट का पहला सवाल है, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक या सलमान खान। यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि आपको जिस भी सवाल के आंसर्स आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। वीडियो को अगर आपको लगे कि हमने आपको
कम समय दिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स दो, लेकिन ज़रूर दो कि आपके इन 40 में से कितने सवाल यहाँ पे बिल्कुल सही हुए एक बार में, आपको ये सारे में से कितने क्वेश्चन सेट हो गए इन द माइंड, और उसके बाद जिस भी सवाल में प्रॉब्लम रह जाए आप वीडियो को बैक करो और उन सारे सवाल को यहाँ पे देख लो। अगला सवाल है यहाँ पे कि पेप्सिको स्पोर्ट्स ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हार्दिक पंड्या, अक्षय कुमार, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? गल्फ आयल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हार्दिक पंड्या, अक्षय कुमार, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? T20 मुंबई लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हार्दिक पंड्या, अक्षय कुमार, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इन चारों ऑप्शंस में से? स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? yatra.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा या AMC दोनों? हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा या AMC दोनों? वीवो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इन चारों ऑप्शंस में से? स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा या AMC दोनों? स्वच्छ आंध्र मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा या AMC दोनों? सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इन चारों ऑप्शंस में से? अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित, साक्षी मलिक, रकुलप्रीत सिंह या AMC दोनों? माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इन चारों ऑप्शंस में से? यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नेपाल टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीरूस खम्बाता, अंकित फाड़िया, सोनू सूद या AR रहमान? मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सानिया मिर्जा, महेश बाबू, AR रहमान या AMB दोनों? तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इन चारों ऑप्शंस में से? अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? केनरा बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एजुकेट गर्ल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रेनॉल्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार या विराट कोहली? वर्लपूल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इन चारों ऑप्शंस में से? PNB के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार या विराट कोहली?
फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर, या रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर दोनों? मेक माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? BSNL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इन चारों ऑप्शन में से? नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हिमा दास, मैरी कॉम, आलिया भट्ट या जया प्रदा? हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फ्रूट जूस एप्पी फेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इन चारों ऑप्शंस में से? तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, या आप हमें लाइक कमेंट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।